इसकी एवरेज ज्यादा होती है? इसकी तो बहुत ज्यादा होती है, अराउंड अबाउट 22 से लेके 25 की एवरेज। ओके, ये लाइटें भी साथ में फॉग लैंप्स, बड़ी खतरनाक लाइटें होती हैं। प्लस देख लो जी, इसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। फिर कस्टम इंटीरियर, ये भी सीट पहले बनाई हुई है कि अपने मतलब कुछ कस्टम किए हैं? ये कस्टम किए हैं, जैसे इसकी लंबी आती है ना हार्ड टॉप के हिसाब से, हमने कस्टम छोटी बनाई है। और ये आपको इंडिकेटर ना जला के दिखाते हैं। ओहो हो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स, क्या बात है जी, लुक चेक करो जी, मैट्रिक्स इंडिकेटर सुंदर लग रहे हैं बहुत। रिवर्स जगाइयो, अच्छा रिवर्स भी देख लेते हैं, नीचे से दिखाओ बिल्कुल नजदीक से। अच्छा दो जी, अच्छा जी, क्या बात, रिवर्स भी ते ब्रेक भी बहुत हैवी में। अच्छा, नंबर प्लेट लगाई है जी, फ्रेम, फिर उसके बाद एलईडी वाले लैंप्स, ओके जी, फ्रंट बम्पर ब्रांड न्यू, ओके जी, फिर कॉर्नर्स भी ब्रांड न्यू, ग्रिल अल्फा, ओके, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बहुत हैवी में, ठीक है जी। फिर ये प्रॉपर जो गाड़ी थी ना, हाँ, ये बॉडी हमने रखी है, ओके, इसकी बॉडी आपको दिखा देते हैं ओरिजिनल कैसी थी। होप करता हूँ सभी लोग की बहुत बढ़िया होंगे। थैंक यू सो मच जी, इतना प्यारा रिस्पांस के लिए। पे आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली फिर से जिप्सी के ऊपर। हर बार जी जिप्सी की जो भी हम वीडियो डालते हैं बहुत ज्यादा प्यारा रिस्पांस देते हो जिप्सी के साथ, मतलब एक ना पुराना ही प्यार है सबका जुड़ा हुआ है जो हमेशा रहने वाला है, ठीक है। डीजल जिप्सी भी दिखाई, पेट्रोल भी दिखाई, नॉर्मल काम चलाओ भी दिखाई, मॉडिफाइड फुली मॉडिफाइड दिखाई। आज जो जिप्सी दिखाने लगे हैं वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड है, अच्छी तरह से मॉडिफाइड है, अच्छे खासे पैसे लगे हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं जो आपको दिखाने वाले हैं, जैसे पजेरो होगी, नेपाल से दूर दूर से इतनी जिप्सियां आई हैं तैयार होने के लिए, आपको देख के बहुत खुशी होगी। पहली बात तो ये पीछे थार ही देख लो, ये बहुत सुंदर थार है। अब ये थार ऐसी एज की एवरेज है 26 की, क्यों भैया, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। क्या हाल है, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बढ़िया जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा काम काज? बढ़िया, बहुत बढ़िया, कृपा, ठीक है। तो आज हम क्या दिखा रहे हैं? आज हम जो प्रीवियस वाली हमारी बनी है, बिल्कुल जी, उसी की डिट्टो कॉपी बट डिफरेंट लेवल पे बनी हुई है। बिल्कुल जी, ये जो गाड़ी है इसका फ्रंट का जो सिर्फ ग्रिल है वो सेम है, बाकी बिल्कुल पूरी की पूरी अलग है, पूरी अलग है, पूरी और उसमें उससे बहुत ज्यादा काम हुआ है, इसमें काम हो जाता है, एक्सेसरी लोडिंग ज्यादा, ठीक है। हाँ तो जी जिप्सी के फ्रंट भी शुरुआत से शुरू करते हैं आज ना, पहले इंजन हम दिखाते हैं, है ना? ठीक है, है ना, बहुतों को वेट होती है जी पेट्रोल जिप्सी सब देखते हैं, आज दिखाएंगे आपको डीजल इंजन जिप्सी। इंजन चेक करते हैं कैसे का। अच्छा लो जी, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, भैया इंजन सफाई बहुत रखते हो आपने देखा। हाँ, मतलब ये क्या था कि हम इंजन का काम करते नहीं है। हाँ, दोनों कस्टमर को यही कहना था, जब ये गाड़ी रेडी होगी ना, हाँ, तो जैसे ही हमने ट्राई पे ली इसका इंजन सीज हो गया, उत्तरी, तो फिर इसको वापस निकाला और सारा ओवरऑल किया। ओके ठीक है, ए टू जेड ओवरऑल है, पंप, रेडिएटर, एयर फिल्टर, हर एक चीज, 80% गाड़ी ये ब्रांड न्यू है, कस्टमर की सिर्फ चेसी थी और बॉडी थी, ठीक है। सीज होने का रीजन मोस्टली ये कार्बन बहुत सारा हो अंदर? नहीं, ऐसे नहीं होता, ये क्या है कि डीजल इंजन पहले ही चले होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर ये लेके ओवरऑल करके डाल लेते हैं, अब इनकी लाइफ होती 3-4 साल, वो भी स्टार्ट होना जरूरी है, डीजल अच्छा डले, फिल्टर्स अच्छे हों, पर कस्टमर नहीं कर पाता केयर, तो उस हिसाब से जब इधर 6 महीने खड़ी रही है तो उसके बाद इसका डेड हो गया। चलो ठीक है जी, इंजन आपने देख लिया, इंजन बड़ा बढ़िया है, डीजल इंजन कौन सी कंपनी का? निशान का आता था, कार्स में आता था, ठीक है, आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूं। चलो इस आवाज चेक करो, बहुत फर्क आया था, एज अगर आप पेट्रोल जिप्सी हम दिखाते हैं देखो और डीजल दिखाते हैं, हाँ, फर्क बहुत है, बहुत फर्क है, हाँ, जमीन और आसमान का फर्क। ये प्रॉपर हीटर चल रहा है जैसे आपने विलीज में देखा होगा जो, हाँ, हम लगाते हैं ना, और ये इंजन पहले से ही आया था, हमारे में लगाया ना? नहीं हमने नहीं, ये तो ओरिजिनल है, कस्टमर ही लेकर आया, हम तो करते नहीं इसका काम डीजल का, ठीक है जी। स्टार्टिंग देखो, लो जी स्टार्टिंग चेक करो, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल है इसलिए इतना बढ़िया स्टार्टिंग है, ठीक है। अब इसकी एवरेज ज्यादा होती है? इसकी तो बहुत ज्यादा होती है, अराउंड अबाउट 22 से लेके 25 की एवरेज, जबकि जिप्सी की कितनी होती है? जिप्सी की ओरिजिनल पेट्रोल की 12-15 ना, तो उस हिसाब से जी डीजल मोस्टली इसलिए लगाते हैं मेरे ख्याल से, मतलब और तो कोई रीजन नहीं होगा? नहीं, जैसे एग्रीकल्चर वाले है ना बायर, तो उनको डीजल ही चाहिए होती है, उन्होंने गेड़ी मारनी होती है इधर उधर खेतों में, तो उनके लिए जो माइंड सेट है ना उनका डीजल पे, तो वो डीजल प्रेफर करते हैं, डीजल है जी। चलो जी, ये भी हो गया, सोनी गाड़ी हुई है तैयार, अब अभी इंजन कर लेते हैं बंद क्योंकि साउंड काफी ज्यादा है ना, ठीक है। अब साइड पे चलते हैं, साइड पे भी टायर्स वगैरह क्या आपने एक्स्ट्रा क्या किया वो बताओ जरा। हम स्टार्टिंग से आते हैं, ठीक है जी, स्टार्टिंग से आते हैं। इसमें हमने क्रोम का बहुत हैवी में नंबर प्लेट लगाई है जी, फ्रेम, फिर उसके बाद एलईडी वाले लैंप्स, ओके जी, फ्रंट बम्पर ब्रांड न्यू, ओके जी, फिर कॉर्नर्स भी ब्रांड न्यू, ग्रिल अल्फा, ओके, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बहुत हैवी में, ठीक है जी। फिर ये प्रॉपर जो गाड़ी थी ना, हाँ, ये बॉडी हमने रखी है, ओके, इसकी बॉडी आपको दिखा देते हैं ओरिजिनल कैसी थी, ओके, फटी टायर इसके भींगे, ओके, इंजन बस पहुंच गया हमारे पास हीट होता होता, क्योंकि रेडिएटर इसका नया रखा है, इंजन भी ओवरऑल है, ठीक है। तो आप एक बार इसकी ओरिजिनल बॉडी भी दिखा देते हैं। चलो ठीक है, अच्छा यहीं पे पड़ी हुई है, हाँ लो जी,
ये भैया का एक्चुअली गिराज वाले एरिया अंदर भी कितनी को जिप्सियां खड़ी है एक टाइम पे हमारे पास अभी? अभी भैया कुल मिला के अगर दूसरी वर्कशॉप और घर मिलाऊं तो 12 जिप्सियां होंगी। 12 जिप्सियां खड़ी है ना। हाँ, मतलब कैसे किसी को जिप्सी तैयार करानी है ना, बहुत शौकीन बंदे भी पंजाब में है। लोग कहते हैं कि ना जिप्सी थोड़ी छपरी वाली नहीं भाई, ये शौक से और जिगरा चाहिए भैया जिप्सी। हाँ, ये तो मतलब कहते हैं ना रिच पर्सन चॉइस है ये। हाँ, खर्चे वाला काम है ये। बॉडी थी इसकी ओरिजिनल। अच्छा जी। हाँ ओके, ये इसकी बॉडी है, सारी गली हुई है। ओके, तो कस्टमर को जैसे ही हमारे पास आई थी तो हमने पहले ही कह दिया था कि इसके ऊपर काम करवा के कोई फायदा नहीं है। सारी गाड़ी जहाँ से देखोगे सब जगह से गली हुई है, तो ये इसकी ओरिजिनल बॉडी थी। ठीक है जी, ठीक है। लो जी, तो ऐसी देखो ये भी ऐसी बॉडी है इसकी। हाँ, ये भी रिस्टोरेशन के लिए ही है। ओके, तो लो ये भी पूरी रिस्टोर होगी। ओके, तो ऐसी कई चीजें हमारे पास देख लो जी। ये भैया की पर्सनल थार है जो भैया चलाते हैं। भैया यार इसकी भी स्टोरी थोड़ी बता ही दो चलते चलते। इसकी स्टोरी, ये एक्स आर्मी जीप है, 2006 मॉडल है। अच्छा, तो हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरी और अपग्रेड और मॉडिफिकेशन की हैं, जैसे पीछे MLDS है इसके अंदर। हाँ हाँ। फ्रंट में कार्बन फाइबर लीफ स्प्रिंग है। ओके ओके। एसी है, पावर स्टेयरिंग है। हाँ। बड़ा रेडिएटर है, विंच भी लगी हुई है। हाँ, विंच भी लगी हुई है। कस्टम्स इंडिकेटर है, टेल लाइट भी इसकी कस्टम आ गई है। फिर सच बात है आपने जो बोली थी एवरेज 26 की देती है। हाँ, आप आइए चला के देखिए। ठीक है, ठीक है जी। फिर ये कस्टम बम्पर। हाँ। और जैसे कि ये हम खुद बनाते हैं LED। ओके, स्टॉप लैंप्स, इसकी भी टेल लाइट्स भी बन गई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वाले में। हनी कॉम डिजाइन है। ठीक है जी। अब जी आपको बॉडी दिखा दी हमने जिप्सी की, ये चेक करो आप, जिप्सी यहाँ खड़ी है। अब ये बॉडी फिर कौन सी डाली है आपने, किसी और की? हाँ, हमने किसी और की बॉडी डाली है, बिल्कुल ओरिजिनल में। ओके जी। ताकि जो इसका गलापन था ये वो आगे जाके बिल्कुल परेशानी ना हो कस्टमर को। ये पेंट हमने 2K में किया, बहुत बढ़िया। लो जी, शक्ल तक दिख रही है पूरी, इसमें पूरी शक्ल दिखेगी। और ये वो नहीं है काम कि गीला पेंट है, जब आता वीडियो बनाई 2 महीने हो गए हैं। हाँ। 1 महीने से तो इंजन का काम हो रहा है। और ये आप अपनी पूरी चेक कर लो, क्वालिटी चेक कर लो जी, और देख लो 2K में है। क्या बात है जी, पेंट की क्वालिटी आपके सामने है, कहने की जरूरत नहीं भैया, कहने पता लग जाता है। बिल्कुल है ना, 2 महीने पहले हुआ था पेंट। 2 महीने पहले। ये टायर वगैरह अभी खुद डाले की पहले से आए? टायर अलॉय कस्टमर के ही हैं, हमने चेंज नहीं किया। ठीक है जी, ये कस्टमर के ही आ गए ना। बाकी सारी एक्सेसरी लोडिंग जितनी भी है, जितना भी इसमें ऊपर सामान लगा, सब ब्रांड न्यू है। हाँ। ओके, ये लाइटें भी साथ में आती हैं, बड़ी खतरनाक लाइटें होती हैं। प्लस देख लो जी, इसकी सेफ्टी बहुत जरूरी, कहीं भी आप बाहर जा रहे हो स्टेशन में जैसे। हाँ, तो ये जरूरी है, जरूरी है, चलान वगैरह ना कटे, चलान ना कटे। फिर बलेरो के इंडिकेटर वाले शीशे, साइड मिरर्स, ओके, ये भी फर्स्ट है, जो पुरानी जिप्सी थी उसमें नहीं था, नहीं थे ना। फिर उसके बाद इसकी लोडिंग्स बहुत अच्छी है। अच्छा जी, ये लॉक हो गई। लो जी, यहाँ से आते हैं पीछे, पीछे 4x4 की बैजिंग है। भैया 4x4 तो नहीं है ना? नहीं नहीं, 4x4 बैजिंग है। हाँ, जिस दिन लेके जानी थी कस्टमर ने खुद लगाई थी। ठीक है, एस्थेटिक सी थोड़ी सी लुक आ जाए जिप्सी की, क्योंकि अंदर क्या किसी को क्या पता। तो फिर इसकी ब्रांड न्यू सीट्स। ओके, फिर कस्टम इंटीरियर। ये भी सीट पहले बनाई हुई है कि आपने मतलब कुछ कस्टम किए हैं? ये कस्टम किए हैं, जैसे इसकी लंबी आती ना हार्ड टॉप के हिसाब से हमने कस्टम छोटी बनाई। फिर कस्टम इंटीरियर। ये भी सीट पहले बनाई हुई है कि आपने मतलब कुछ कस्टम किए हैं? ये कस्टम किए हैं, जैसे इसकी लंबी आती ना हार्ड टॉप के हिसाब से हमने कस्टम छोटी बनाई है। ठीक है जी। हाँ चलो, बढ़िया लगती है ना पीछे अलॉय, वो अच्छा अलग लगा। ये अलग अलॉय है क्योंकि उनके पास 4 थे, पर उनको थोड़ी सी पीछे से हैवी लुक चाहिए, हैवी लुक चाहिए, तो हमने अलॉय डाला। इसके अंदर ही स्टॉप लैंप ही LED। अच्छा, स्टॉप लैंप, अच्छा LED भी, अच्छा अंदर ही है, अंदर ही स्टॉप लैंप है। फिर इसका कस्टम वाली प्लेट हो गई। ओके, एज सच ओरिजिनल हमने बटन भी लगाए हैं जी। तो हुक असेंबली। ओके, एक्सेसरी लोडिंग आ गई। फिर इसके अंदर ब्लू कलर की फ्लेम वाली मफलर टिप। ओके, साउंड नहीं है, ये रात को फ्लेम बनाएगी जब ये डीजल फेंकेगी। अच्छा, ऐसे फ्लेम बनाती है? फ्लेम बनाती है। वो कैसे? ये देखो, वीडियो दिखाता हूं। अच्छा, ये तार भी कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप है पीछे। हाँ, क्या बात है जी। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें भाई मिल जाएंगी आपको भैया के पास, अगर आपने करानी ना गाड़ी। ये तो लग तो किसी को भी जाएगी, ये लग तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है ना, आपको तो बढ़िया सुंदर लग रही है। प्लस ये लाइटें भैया बहुत प्यारी हैं यार, है ना, एस्थेटिक है। ये आपको मैं बताता हूँ, ये बीच में लेते हैं। ओके, ये क्या चीज है? ये भी है, ट्रॉली सिस्टम के लिए लगाया। ओके, ट्रॉली ऐसी जुड़ती है? हाँ, इसमें पीछे अटैच करोगे ना, ये फीमेल है, मेल करोगे तो ट्रॉली में भी पावर आ जाएगी। ओके ठीक है जी। तो देखो, सोने तैयार हुई है ये, सुंदर ही बहुत लगेगी रात के टाइम ना। ये फॉर्च्यूनर वाले कस्टमर ने 4 गाड़ियों के लिए मंगाई। क्या बात है। उसके बाद हमने इसके अंदर कस्टम, ये खुद बना रहे हैं हम, इसमें अंदर 8 डिजाइन है जिप्सी में डायरेक्ट फिटिंग। क्या है ऊपर?
ये आगे इसकी स्टॉप लैंप, फिर ब्रेक आएगी, फिर इंडिकेटर आएगा, फिर रिवर्स आएगा। ये पूरी कस्टम में रेडी है, कस्टम में रेडी। 1 ईयर की हमारी खुद की गारंटी है। 8 मॉडल्स अवेलेबल है। ओके, इसमें 8 मॉडल्स हमारी शॉप पे अवेलेबल। चलो, एक्स्ट्रा हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये कस्टम में है, खुद बना रहे हैं। ठीक है, आपको चला के भी दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ चलो, मैं देखता हूँ उसको, बाद में अटैच कर लो, बाद में कर लेंगे। ठीक है, आगे अब फिर इसके अंदर कस्टमर की चॉइस पे, जैसे उन्होंने खेती बाड़ी का काम है, ट्रॉली करनी है, तो उसकी अटैचमेंट के लिए ये फीमेल कपलर है, जो प्लग जैसा लग रहा है। ये प्लग है। अच्छा। इसमें से मेल जब प्लग लगेगा, हाँ। तो ट्रॉली में लाइट आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। ओके ओके, ये वो वाली सिस्टम लगाया हमने, सिस्टम लगाया हुआ ना जी। इस साइड पे देख लो जी, पेट्रोल टैंक आ गया। इसको भी हमने कस्टम तरीके से लगाया था ना? नहीं, कस्टम इसमें कुछ नहीं, ओरिजिनल ही है, ओरिजिनल ही है ना? क्रोम में लगाया हुआ। ठीक है जी। बाकी क्रोम वाले हैंडल्स हो गए, वही रेंगुलर ब्लेरो के साइड मिरर्स। ठीक है, अलॉय टायर। ओके, 2 इंच लिफ्टेड है ओरिजिनल पे। अच्छा, ओरिजिनल लिफ्टेड है। ओरिजिनल लिफ्टेड है 2 इंच पे। सस्पेंशन भी डली हुई कोई? हाँ जी, इसमें मतलब नहीं, सारी ओवरऑल है। सस्पेंशन में हमने इसमें नाइट्रॉक्स वाले गैस शॉक का डाले हैं। ओके, 6 मंथ्स की वारंटी के साथ। वारंटी के साथ ना? हाँ। तो देखो, ये ऐसी बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है लो जी। अच्छा, ये रिवर्स में आ गया, ये रिवर्स आ गई। ये भी पीछे लेटे हैं, अगर वो आप पीछे से कोई तंग करे उसके लिए भी है? उसके लिए भी है, उसका आगे कनेक्शन दिया हुआ। अच्छा, ये रिवर्स के साथ कनेक्शन है। ठीक है, दोनों चॉइसेस है। पीछे हॉर्न भी लगाया भी है वैसे? इसमें नहीं लगाया, लगाया? हॉर्न नहीं लगाया। पिछली आपने जिप्सी की वीडियो बनाई थी भाई, क्या भैया ने हॉर्न लगाया था, कोई ज्यादा हॉर्न मारता है ना, उसको भी पीछे से हॉर्न मार लेते हैं। और ये हमारी ब्रेक वाली आ गई है, ये हमारी खुद की कस्टम है, किसी को ऑर्डर करनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी शिपिंग है। ओके, जैसा मॉडल कहोगे उसके ऊपर लोगो चाहिए, उसके ऊपर नाम चाहिए, ओके, सब कुछ आ जाएगा। कोई भी गाड़ी के लिए? कोई भी नहीं, मतलब देखना पड़ता है फ्रेमिंग पर। थार के लिए कोई भी मॉडल, थार हो, जिप्सी, विलीज हो, जिप्सी हो, इसके आगे पीछे सारी हो जाएंगी। लो जी, क्या बात है, ऐसी कस्टम सुंदर सी लाइटें चाहिए। ये भी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है ना। ठीक है जी, अब अभी चलिए इंटीरियर की तरफ। चले आ जाओ, इंटीरियर ना आपको दिखाते हैं। तो इंटीरियर भी बहुत ही सोना, मैं खोल देता हूँ यहाँ से। ओ चल, खोल दिया। इंटीरियर बहुत सोना है ना गाड़ी का, देखा जाए तो। मैं अंदर बैठ के दिखाते हैं आपको। अभी सारा अंदर मीटर भी हमने लगाया। ये A to Z गाड़ी की जितनी एक्सेसरी है और स्पेयर पार्ट है ना, ये सब ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू है। इसका वाइपर ब्लेड, आरम, अंदर लिंकेज, वाइपर मोटर, डैशबोर्ड, मीटर, ईच एंड एवरीथिंग, नट बोल्ट तक ब्रांड न्यू है इसका, ब्रांड न्यू है ना। ये टॉगल स्विचेस बड़े प्यार लगते हैं जो आप लगाते हो ना, ये बहुत बढ़िया। अच्छा, रियर लाइट यहाँ से दिखती है? हाँ जी, रियर लाइट। ज़ॉम्बी लाइट कौन सी है? ज़ॉम्बी लाइट तो ये इसमें से 3 कनेक्टेड है। okay, 3 कनेक्टेड okay. नहीं है, वो कस्टमर अपनी चॉइस से दे देगा। जैसे फॉग लाइट होगी, रियर लाइट होगी, इसके अंदर और आपने फैन लगाना एक्स्ट्रा, तो उसके कनेक्शन के लिए दिया, कनेक्शन के लिए होता ना। ठीक है जी, बड़ी वधिया जी। यार ये चीज तो मैं भी यूज कर रहा हूँ, भैया ने मेरे को भी दी थी, ये बड़ी काम आती है। ये भी और ये भी मोबाइल फोन अभी दी थी, दोनों चीजें बड़ी काम, ये भी बढ़िया चीज है ना। अच्छा, इस पे तो ऐसे टच हो जाता है, देखो जी मैग्नेट लगा, बड़ी मस्त चीज है, किसी को चाहिए हो ये भी सब भैया के पास अवेलेबल होता है। सिस्टम भी लगाया भी है कुछ? बहुत बढ़िया। अभी आप खुद दो इसको। ठीक है, सुनाते हैं अभी लोगों को। हमने सिस्टम भी लगाया इसके अंदर बढ़िया सा। दिल दर्द कौन लगे, सही सिस्टम लगाया पूरा पूरा। क्या बात। लो जी, ऐसा खतरनाक सिस्टम भी भैया आपको लगवा के देंगे, अगर आपको जरूरत है इसकी भी। ठीक है, ये इसका आप सफाई देख लो मेन, तो भैया तारे तुरों की बड़ी होती है, देखो जी। ना ना, ना ऐसा कोई काम नहीं, प्रॉपर बढ़िया। हाँ। और देखो कस्टम, ये भी हमारे हर गाड़ी में लग तरह का होता है, ये कस्टम हमारा कंसोल। ओके, कस्टम कंसोल आ गया जी, बहुत जिसपे आपने हाफ रखा है। हाँ जी जी, ठीक है, ओके, ये आ गया ना पीछे। अच्छा, ये भी क्या है? ये पेस्टी हो गया ऊपर, देखो जी सारी रूफ लेदर आ जाती है। ये बढ़िया चीज है भैया, मतलब सुंदर लग रही जिप्सी ना। टाइम लगता है, पैसा लगता है, पैसा पर चीज आपके मुताबिक हो, चीज आपके मुताबिक हो। उसके बाद इसके अंदर लेटेस्ट बलिनो की सीट, हाइट एडजस्टेबल सीट, और जो कि कंफर्टेबल है, सच में बहुत कंफर्टेबल है। मतलब लॉन्ग ड्राइव करोगे इसके अंदर दिक्कत आती है स्टॉक सीट्स में, पर इसमें आपका 50% जो आपका बॉडी प्रेशर है ना, कम हो जाता ना। चलो बढ़िया, साइड गत्ते देख लो, इवन मैचिंग प्रॉपर लेदर के साथ लगाए हैं। अब देखो ना, इसके अंदर हर एक चीज, नट बोल्ट भी है ना इसका, ये सारा जेन्युइन है, सारा जेन्युइन, इसीलिए इसकी फिटिंग और क्वालिटी प्रॉपर आती है, प्रॉपर आती है। नहीं तो गत्ते बड़े लूज होते हैं, ये तो मतलब पता लग रहा है कि चीज लगी है। हाँ, हर एक चीज में आप जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ फिटिंग हुई है, बिल्कुल जुगाड़बाजी नहीं है। यहाँ तक ये मीटर के नट बोल्ट भी है ना जो, हाँ। ये भी जेन्युइन, बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है, पर जो अब बना रहे हैं ना तो वो एस्थेटिक और प्रीमियम ही काम हो रहा है। वधिया, नहीं सही बात है। ठीक है, रूफ का भी देख लो जी, पेंट मेटल हार्ड टॉप, प्रॉपर मेटल हार्ड टॉप है ये वाली, ठीक है।
बाकी पीछे अगर किसी को वो रूफ लगवानी है, रूफ तो आप लगा ही देते हो जो पीछे वाली गाड़ी थी। हाँ, कन्वर्टेबल रूफ थी उसकी, ऐसे रिमूव हो जाती थी। बड़ी बढ़िया चीज है वो भी, वो तो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, कस्टमर की। ठीक, आगे आपको पजेरो गाड़ी दिखाते हैं। इसका क्या हो रहा है भैया? इसमें हमारी पूरी मॉडिफिकेशन हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमने इसके अंदर टो हुक डाली है। ओके, 8 टन कैपेसिटी हैवी। इसे इंजन बड़ा पुराना हो गया होगा गाड़ी का, फिर भी है जान। हाँ, ये तो 10 लाख किलोमीटर वाली गाड़ी है। अच्छा जी। हाँ, ये तो बहुत हैवी है। एंडेवर, फॉर्च्यूनर, तो ये भी उसका बाप है। ठीक है। फिर उसके अंदर हमने 10 लीटर का जेरी कैन लगा रहे हैं विद साइड माउंट। ओके, फिर हमने इसके ये खुद बनाया। हाँ, खुद सारा कस्टम मेड है। कस्टम मेड, अभी ये नहीं है कि इसके अंदर हम बहुत कोई बेकार सा काम करें, वेल्डिंग करें, सुराख करें, ना। ये देखिए, इधर से लेकर आ रहे हैं कस्टम, और इधर हमने रिबड़ मारी है इसके अंदर। रबड़ की हमने कुशनिंग भी दी हुई है कि गले ना, और इनको इन फ्यूचर 5 साल 10 साल दिक्कत ना आए। चलो, तो एक कस्टम हमारा खुद का बनाया हुआ है, कैरियर है। ये जो फिटिंग है ना इसकी, ये भी हमने खुद बनाई है, हैंडमेड है। प्लस ये पाउडर कोटेड है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा रंग बिन लगेगा ना। हाँ, ये लाइन एक्स कोटिंग कह लो, पाउडर कोटिंग कह लो, ये मतलब बढ़िया चीज है। चेक करो। अच्छा जी, मतलब कोई जितने मर्जी पंगे ले ले, कुछ इतने मर्जी है तो जाएगा ही नहीं। सबसे बेस्ट पेंट है ये, और तगड़ा भी बहुत होना है, बहुत होता है। पूरी गाड़ी खिलेगी। ठीक है जी। फिर इसके अंदर हमने पूरा इंटीरियर नया किया। ओके, अच्छा, ये लेदर वगैरह सारा काम। हाँ, ओके, ठीक है जी। तो 4x4 प्रॉपर गाड़ी है भाई, मिलती भी बहुत रेयर ही मिलती है। बहुत रेयर है, बहुत। ये बंदे ने लगता है दिल्ली से ही लाया बंदा घूम जी, है ना। हाँ, वैसे तो मिलती नहीं, ढूंढ के लाई गई ये गाड़ी। हाँ, ये पूरा इंटीरियर किया, पूरा इंटीरियर ना। ठीक है जी, सामान सारा पड़ा हुआ। ठीक है, नहीं बढ़िया बढ़िया। फिर इसका हमने सारा इंजन की सर्विस, गियर की, फोर व्हील ड्राइव की, ब्रेक्स की। हाँ। फिर उसके बाद इसके सस्पेंशन सारा खराब था, सारा सस्पेंशन न्यू किया, एक्सल खराब थे वो डाले हैं। ओके, सारा नीचे काम का तो काफी हुआ है। हाँ, बहुत काम हुआ। ओके, ये हो गया। फिर इसका एसी का काम हुआ। हाँ। इसका एसी चालू किया। ओके, अब इसके अंदर 12,000 LBS की विंच फिटिंग हो रही है। आज इसका हो जाएगा काम खत्म, हो जाएगा काम। ये इधर प्रॉपर फिट होगी। ओके, और इसके अंदर ARB का बम्पर लग रहा है। ओके, मैं दिखाता हूँ। ये भी अच्छा, ये तो बना बनाया आता है वाला। हाँ, बना बनाया। ओके, क्या बात है जी, बड़ा खतरनाक है भैया बम्पर। ये तो बहुत हैवी में, दो बंदे चाहिए। 1 क्विंटल का बम्पर है। क्विंटल का? 1 क्विंटल, मतलब 100 किलो। 100 किलो का बम्पर, क्या बात है जी। वाह, ये भी कस्टम पेंट है। कस्टम पेंट है ना। ठीक है जी, वाह। लो जी, ऐसी चीजें भी बहुत सारी हैं अभी मार्केट में, जिंदा हैं जो भी। हाँ बिल्कुल, ये कस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, दिमाग चाहिए, तब ये बनती हैं। फिर इसके अंदर रूफ कैरियर के साथ हमने LED बार के बार लाइट आ गई ना। इसका भी कवर भी साथ ही बना कवर देते कवर। हाँ, साथ में बनेगा इसका भी, चलानी है मेरे ख्याल से ना। बिल्कुल, और साथ में कवर जरूर लगाओ जो भी लगा रहा है ना। ठीक है, अभी आगे वो भी दिखा दे जरा। हाँ, प्रोजेक्ट यार ये बहुत सुंदर है। ये पीछे से जब मैंने देखा ना अभी, मेरे को वही लगा। ये आपको छोटी पजेरो लगी? हाँ, जो 2-डोर पजेरो आती थी, 2-डोर रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही है वो गाड़ी। तो चलो, ये हमारे इंडिया में रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है। अच्छा, इसके अंदर कमानी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर सस्पेंशन है। Okay. जैसे जिमनी में आता था ना। हाँ, हाँ, वो वाला सारा सस्पेंशन है इसके अंदर। हाँ, इसमें लीफ स्प्रिंग नहीं है। ये इंडिया में आई थी? ये इंडिया में नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है जी। तो ये भी हमारा सबसे प्रीमियम और फर्स्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर कस्टमर की सिर्फ चैसी और बॉडी होगी। क्या बात है, बाकी सारा इसके अंदर बहुत कुछ लगेगा। ठीक है, बलिनो 1.6। ये चल के आया था कि टोटू होके आई है? नहीं, ये चल के आई है। अच्छा, ये 3 दिन की ड्राइव लेके आए हैं। ओके, यूपी बॉर्डर से आए हैं, नेपाल से। ठीक है जी। तो इसके अंदर AC, पावर स्टेयरिंग, सब कुछ लगना, बहुत कुछ लगना, बहुत लगना। देख लो, अब मॉन्स्टर टायर तो वैसे ही देखने को मिलती, बहुत रेयर, कम लोग कराते हैं, क्योंकि भी अब प्रोजेक्ट महंगा पड़ता हुआ वाला। हाँ, ये लिंक सस्पेंशन आ गई, ये महंगे ही प्रोजेक्ट है ना। ये फिर आ गया ऑफ रोडिंग के लिए। बिल्कुल जी, तो ये कस्टम है प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, ये ओवरऑल के लिए आई है। ओके, क्योंकि ये चल बहुत गई है, अब ये प्रॉपर सारी ओवरऑल होगी, सस्पेंशन होगा, इंजन होगा, तो ये कस्टमर को हैंड ओवर हो। चलो बढ़िया, ठीक है। उसके बाद ये भी आ जाओ, है ना। एक आपकी अपनी वाली भी दिखा दो। ये मेरी जिप्सी है, अब ये जा रही है उड़ीसा। ओके, ये सेल कर दी आपने? हाँ, ये सेल कर दी। ठीक है, 2-3 साल चलाई है, बहुत लेह लद्दाख 3 बारी गई है, लाहौल स्पीति बहुत की, ऑफ रोडिंग भी। क्या बात है, तो इसमें भी ब्रांड न्यू विंच लग रही, जैसे उसमें लग रही जी, इसमें भी लग रही है। इसका पेंट भी ओवरऑल होगा? हाँ, इसका पेंट भी ओवरऑल होगा, और ये सारी गाड़ी ओवरऑल है। ये यहाँ से चल के उड़ीसा जाएगी। क्या बात है, बस कॉस्मेटिक्स रह गए इसमें? इसमें फाइनल वर्किंग है बस। हाँ, ठीक है, इसमें फाइनल टचिंग रह गई है। ओके, कस्टम बम्पर आ गया। तो बहुत चीजें हैं दिखाने वाली। हाँ, बहुत बहुत चीजें हैं, जब इसका पूरा ब्लॉग बनाएंगे तब देख लेना जी। फिर इसके अंदर स्पेशल
सेवन जे के स्टील व्हील्स हैं। अच्छा। जो एक इंच इससे कम है, एक ये 8J है। ओके। ये 7J है कि बॉडी के साथ साथ रहे, हल्का सा लुकिंग दे, बस लुकिंग दे ना। हाँ ठीक है। फिर यही हमारा कस्टम बम्पर आ गया। ओके ठीक है। टायर आ गया ना। इसके अंदर CNG भी है। CNG भी है इसमें? इसमें CNG भी है, इसमें पावर स्टीयरिंग भी है, इसमें AC भी है, और इसमें फर्स्ट टाइम हमारा प्रोजेक्ट इसमें हीटर भी है। हाउस का भी लुकिंग दिखा दे। हेलो जी। ठीक है, बढ़िया। इंजन वही है, 1.6 है। इसमें हमने पूरा ओवरऑल करके डाला। ओके। एक एक चीज नहीं है। ये हमारा आ गया हीटर सिस्टम। हीटर सिस्टम आ गया ना। हाँ, ये देखा तो AC पावर स्टीयरिंग और ये हीटर। okay. और इधर आपका हीटर का बॉल्ब भी लगा है। ओके। ये देखो, ये ओरिजिनल 18 मॉडल का हीटर का बॉल्ब भी है। ओके ठीक है जी। ये रहा। लो जी। ठीक है। वो तो बहुत सारी चीजें हैं ये तो ना। आप बेटर अभी आपको जो मिलने आए तभी। हाँ, समझ आएगा है ना। समझ भी आएगा और हमारे से डीलिंग भी आकर ही होगी। फोन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वारीज होती हैं। तो पहले बंदा बताता है कि मेरा ये बजट है, फिर वह हमारा प्राइस होता है 5, 6, 7, 8 जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। पर कस्टमर बोलता है 2 लाख, तो उससे अच्छा कि आप आओ, गाड़ी लेकर आओ, जो भी है इधर बैठ के अच्छे से बात हो, क्लियर बात होगी ना। ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं, फिलहाल के लिए वीडियो इतनी थी। बहुत सारी आज आपको मॉडिफिकेशन दिखाई, और ये दिखाई है आदि, जो आदि होएंगी तब पता लगेगी है ना। ठीक है। उसके लिए जी क्या करो, वेट करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चीजें अपडेट मिलते रहे, है ना। तो अगर किसी को भी कोई भी काम कराना है, भैया का आपका सामने फोन नंबर चल रहा है, भैया का इंस्टाग्राम पेज है गोयल मोटर्स जलंधर, वो फॉलो जरूर कर लो, अपडेट आप डालते रहते हो ना। हाँ, उस पे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल।